नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का चैनल के ऊपर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम प्रीमे संख्याओं का योग करना सीखेंगे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर करना। तो आपसे रिक्वेस्ट एक भी है, आप कमेंट जरूर करना। अगर आपको अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करना, अगर अच्छी आपको नहीं लगती है तो भी कमेंट करना। इसमें हम आपका कोई बुरा नहीं मानेंगे। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिक से आपको समझाया जाएगा। बिल्कुल अगर प्रीमे संख्याओं का योग करना किसी भी एग्जाम के अंदर आता है तो कमजोर बच्चों के लिए विशेष ये वीडियो है। अगर आपको प्रीमे संख्याओं का योग करना आता है तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। ओके, तो चलो हम प्रीमे संख्याओं का योग करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है 5/-9 है प्लस 13/9 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है 3/5 प्लस ब्रैकेट -13/5 है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा -2/-3 है और प्लस 3/3 है और -4/-6 है प्लस -3/-6 दिया गया है। तो बिल्कुल आसानी से आपको समझाया जाएगा भी प्रीमेय संख्याओं का। प्रिया प्रीमेय संख्या हमने एक वीडियो बनाई थी तो उसे भी आप देख सकते हैं। प्रीमेय संख्या हम किसे कहते हैं? प्रीमेय संख्या हम किसे कहते हैं जिसे पी क्यू के रूप में हम उसे लिख सकते हैं, उसे हम प्रीमेय संख्या कहते हैं। और नीचे माइनस की संख्या उसमें नहीं होगी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ 5/-9 है, तो इसको हम जैसे 5/-9 है तो इसको हम -1 से गुणा कर लेंगे हम इसको। तो 5 एकम 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/9 हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्रीमेय संख्याओं में माइनस की संख्या कभी भी नहीं आती है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो -5/ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब प्लस हमारे पास कितना है 13/9 दिया गया है, 13/9 दिया गया। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते तो दोनों संख्या हमारे पास इसमें क्या है बराबर है। जैसे हमारे पास यहाँ भी 9 है तो यहाँ भी 9 है। इसका हम एलसीएम लेते तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास इसमें 9 आएगा। अब -5 क्योंकि 9 की टेबल हम एक लग पड़ते तो 9 एकम 9, तो 1 के साथ हम 5 की गुना करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस का निशान है यहाँ। अब 9 एकम 9 का टेबल हम एक लग पड़ेंगे तो इसको हम 13 को भी 1 से गुना करेंगे तो 13 एकम 13। अब ये प्लस माइनस का 5 है और ये प्लस का 13 है तो 13 में से हम -5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8/9 इसका यह आंसर आएगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भाई क्या करना है, हमें जैसे माइनस की प्रीमेय संख्या नहीं होती है नीचे, क्योंकि अंश होता है ये हर होता है तो हर माइनस का नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको -1 से गुणा कर लेंगे। इसको -1 से हम गुणा कर लेंगे तो -, -, +, -, -, -, क्या हो जाएगी इसमें प्लस हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो 3/5 -+ अगर हम ब्रैकेट से बाहर अगर प्लस है अंदर माइनस है तो हमारा निशान चेंज हो जाएगा तो +- क्या हो जाएगा -13/ इसमें कितना आएगा 5। अब दोनों हमारे पास इसमें क्या है एलसीएम लेते हैं तो हम हमारे पास इसमें सेम आएगा तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा इसमें 5 आएगा। तो 5 की टेबल हम एक लग पड़ते हैं 5 एकम 5 तो 1 के साथ हम 3 की गुणा करेंगे 3 एकम 3 और माइनस इसी तरह हम 5 की टेबल भी हम एक लग पड़ेंगे तो 5 एकम 5 तो 1 के साथ हम 13 की गुणा करेंगे तो 13 एकम 13। अब ये प्लस की संख्या हमारे पास ये इसमें है माइनस की तो इज इक्वल टू हमारे 13 में से हम इसमें इसको घटाएंगे हम क्योंकि ये संख्या हमारे प्लस की है तो माइनस कितना आएगा 8/5। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी आप उसे आसानी से कर सकेंगे, इसका आंसर ये आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ इसे। तो चलो यहां से इसको मैं साफ कर देता हूं। अब जैसे ये संख्या लेते हैं हम -2/ और माइनस में है प्लस कितना है 3/ इसमें 3 दिया गया तो इसमें हम माइनस से माइनस काट देंगे क्योंकि दोनों हमारे पास क्या इसमें माइनस दिया गया तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा इसमें 2/3 और प्लस इसमें क्या है ये इसमें भी अगर हम 3 को काट देंगे तो भी वो ही आएगा। इसका अगर हम एलसीएम लेते तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास एलसीएम कितना आएगा हमारे पास इसमें 3 आएगा तो 3 की टेबल हम एक लग पड़ेंगे तो 3 2 एकम 2
प्लस इसमें कितना आएगा, एक अलग पटेगा तो तीन एकम तीन, इसमें कितना आएगा, दोनों प्लस की संख्या है तो तीन पांच बटे इसमें इसका तीन आंसर आ जाएगा। तो आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तीन से तीन इसको काट सकते हैं, तो यहाँ एक तो जैसे दो बटे तीन प्लस एक बटा एक भी हम कर सकते हैं, तो एलसीएम हमारे पास वही आएगा, यही इसमें आंसर आएगा, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आशा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलेंगे। लास्ट हमारे पास क्या है इसमें, वही मैं माइनस इसमें माइनस चार बटे माइनस छ है, और प्लस माइनस हमारे पास कितना है, तीन बटे माइनस तीन दिया गया। इसके ब्रैकेट लगा देते हैं दोनों, क्योंकि हमारे पास इसमें अंदर माइनस, इसमें हम यहाँ माइनस से इसको माइनस काट देंगे, इसमें ये माइनस से इसको माइनस से हम काट देंगे। अब हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, चार बटे छ। अब ये संख्या हमारे पास प्लस की हो चुकी है, तो प्लस प्लस क्या आएगा इसमें, प्लस ही आएगा, तो तीन बटे इसमें छ, तीन बटे छह। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, इसमें छह आएगा। अब छह की टेबल हम एक अलग पढ़ेंगे, तो उस एक के साथ हम चार की गुणा करेंगे, चार एकम चार, और प्लस छह की टेबल फिर हम एक अलग पढ़ेंगे तो तीन एकम तीन। इसमें चार और तीन दोनों प्लस की संख्या, तो सात सात बटे कितना आ जाएगा, छह। इसका आंसर ये आएगा। तो इस प्रकार हम त्रिमेय संख्याओं का योग कर सकते हैं। तो आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो के अंदर कुछ जानकारी मिली है, कुछ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।